हेलो, अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे भाइयों और बहनों, वेलकम टू चैनल हैदराबादी रेसिपी बाय फरहत। और मुहर्रम की चांद, आज मुहर्रम सबको नया साल मुबारक। और सपने को तो नया साल मुबारक मुहर्रम का। देखिए मैं अभी सबक क्या बना रही, बोले तो बताए। 2 किलो गोश्त मैं कैसा बना रही, फिर नया टाइप से बता रही हूँ। अरबी का गोश्त है, मैं पूरा डिटेल बताती हूँ आप लोगों को, डिटेल बता रही हूँ। अरबी का फॉर्मे के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हुआ बोल रहे लोग शादी में मिलके। 2 किलो गोश्त में 2 टमाटे, प्याज, हल्दी, 2 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच अदरक लहसुन खतमी हरी मिर्चियाँ, ये पूरे मिक्सिंग करना है। मैं इसलिए रेडी रख के ज़रा गोश्त में मिर्ची नमक अच्छा होना बोल के मैं पूरा रेडी करी। अरबी का शेरवा, इमली आदि छट, बहुत अच्छा होता है अपने मतलब तो। अरबी खाना बहुत अच्छी चीज़ है, कमर को ताकत, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है अरबी। ये उबल रही अरबी, मैं सालन में डाल के भी गला सकते हैं, फ्राई करके भी डाल सकते हैं, 3-4 किस्म का है। मैं ऐसा जल्दी जल्दी बनाना बोले तो उबाल दे के रेडी रख लेती। मैं पूरा मिक्सिंग कर दी, मिर्ची, अदरक लहसुन, नमक, 1 चम्मच, सॉरी नमक नहीं बताइए आप लोग को, पूरा मिला दी आधी कटोरी पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख पूरा गल गया। वैसे आपको मैं डिटेल पूरा अरबी डालते सो पूरा कंप्लीट इमली डालते सो बताती, ठीक। मैं चिकन का एक नया वेराइटी बनाऊंगी इंशाल्लाह, मैं बता रही। पूरा खीमा है, चिकन का खीमा रेडी रख ली, मैं पूरा डिटेल इसका बाद में बताती हूँ। देखिए गल गया गोश्त, गल गया माशाल्लाह, गल गया अरबी भी गल गई। ये डाल देना, इसके बाद थोड़ा सा गोश्त अच्छा गल गया वो, इसलिए थोड़ा सब ज़रा पकना गल गया। मैं खट्टा डाल दे, खट्टा मैंने आपको आधी छटाक बताई थी, उसमें से क्या करी थोड़ा सा मैं डाली, कैसा बताना आप लोग को। ऐसा ज़्यादा खट्टा नहीं, मैं टमाटर 3 डाली इसलिए आपको ज़्यादा नहीं बता रही। अच्छा शेरवा अरबी का, उसके बाद हरी मिर्चियाँ, कोथमी, करियापाक भी डालती हूँ, थोड़ा बताती आप लोग को करियापाक कैसा डालू। करियापाक के पत्ते डाल दो, ज़्यादा नहीं डालना, 3-4 पत्ते डालना, लाइट डालना। बस अब बन गया रेडी, थोड़ा सा उबल आ गया तो बस सालन होगा। देखो रेडी शेरवा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शेरवा हो गया रेडी। मैं दूसरा डिश बता रही आपको, देखो इसमें मैं घी 2 चम्मचे, तेल 1 छोटा सा 2 चम्मचे तेल डाली, जीरा डाल दी बघार में। उसके बाद क्या करी हुआ तो प्याज डाल, क्या बना रही है खिचड़ी बन रही, ये खिचड़ी अलग पुलाव जैसा हाजिमा होने के लिए मूंग की दाल आदि प्याली, खाना टमाटर 1, पालक, मैं इसकी कैसा खींची, इसमें कोथमीर भी डाल दी, हरी मिर्ची भी डाल दी, बता दी। प्याज पहले जा रही, ये जैसा कि जैसा ज़्यादा एज रहा थोड़ा हाजिमे के लिए मैं बना रही। देखो ये हो गए, उसके बाद मूंग की दाल डाल रही, बहुत अच्छी होती खिचड़ी है। उसके बाद बना दिया, बस मैं आपको पूरा बता दूँगी। तो एक सीटी आ गए, वैसे गल गए, वैसे ये टमाटर, पालक, कोथमीर, इसके अंदर 1/2 चम्मच अदरक लहसुन और बोलते सो मिर्ची, नमक डालना है, बताती आपको मैं। 1/2 चम्मच नमक,
हल्दी डाल दो, सब बताते हल्दी आधा चम्मच, आधा चम्मच अदरक लहसुन, थोड़ा मैं हरी मिर्ची डाल ली ना, एक ही डाली हरी मिर्ची, उसके बाद लाल मिर्ची आप लोग डाल ले सकते हैं। चिड़ी पालक कोथमीर टमाटर प्याज में पूरा सा डाल के जीरे से बघार डाली, इसके बाद अब ये खाना डाल देना। घी भी डाली देखूँगी, ज़रा ज़ईफ लोगों को भी चाहे हाजिमा नहीं होने वालों के लिए सब खा लिए तो क्या होता, ज़रा अच्छा होगा। थोड़ा सा एक सीटी सुनो बनाया तो खिचड़ी हाजिमा भी अच्छा होता और हेल्थी। पालक प्याज टमाटर घी मैं इसको एक सीटी के बाद बता दिया। हेलो, देखिए पूरा बन गया, देखिए मेरे भाई और बहनों, मेरे अरबी का शेरवा मैं कैसा कैसा बनाना पूरा डिटेल बताई आप लोग को। देखो ये वाइट राइस, गोश, बिस्मिल्लाह, अरवी, बहुत अच्छा होता टेस्ट अरवी खाने से बहुत सेहतमंद। आप देखिए ये राइस, मैं ऑलरेडी अरवी का खोरमे के बारे में भी, मैं अपन खोरमा जैसा बनाते हो इसी हिसाब से खोरमा भी ऐसी बताई आप लोग को। अरवी तले के खोपरा और बादाम डाल के अरवी का खोरमे में, थोड़ा मेरे को शादी में बोल रहे थे ज़रा खोरमा बहुत पसंद आया हमारे को आपका डिश बोल के बोल रहे थे, उसी और डिटेल ऐसा बनाना खुरमे के टाइप में बनाना ये पेरेंट्स के लिए। खिचड़ी अपन लोगों को, जैसा कि बड़े लोगों को अपने खाने के लिए अपने को थोड़ा हाजिमा नहीं होता उन लोगों को माँ बाप को, तो ऐसा थोड़ा सा मैं खिचड़ी कैसा बनाना मैं पूरा बताइए डिटेल ये भी सर, ज़रा हाजिमे के लिए ऐसा बना के खिलाए तो ज़रा उन लोगों को हाजिमा हो जाता। रोटी भी ऐसी बघार कर लेके रोटी का चूरा भी ऐसा डाल दे के कुकर लगा दिए तो नरम हो जाती रोटी, उन लोगों को चाय भी नहीं आता हाजिमा भी नहीं होता पेरेंट्स को। ठीक है, सब्सक्राइब करिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए शेयर करिए कमेंट्स करिए। और मेरे भाइयों और बहनों, मैं यूट्यूब में टमाटर चटनी, टमाटर ज़्यादा डाली थी बैंगन में, बैंगन कम थे, टमाटर चटनी है असल वो बहुत अच्छी होती है, और पुदीना भी ज़्यादा कोथमीर भी ज़्यादा डाल के चटनी बनाई थी। ठीक है, लाइक करिए फॉलो करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ की गुजारिश।